राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यह है टाटा बिंगर का गियर बॉक्स और क्राउन। गियर बॉक्स कंप्लीट कर चुके हैं, एक डिफरेंशियल पूरी तरीके से स्टार इसका टूट चुका है, जिसके कारण गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। इसको खोलने के बाद देखा गया है स्टार पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं और बैरिंग भी टूट गई है। यह स्टार डिफरेंशियल, इसको हम नया ले लिए हैं क्योंकि ये भी ख़राब हो चुका था। उसके बाद हम एक्सल गियर LHS का लेते हैं, उसमें एक वाशर पड़ता है, वो वाशर डाल लीजिएगा। उसके बाद इसको हम डाल देते हैं। इतना करने के बाद बेबल पिनियन दो लगती हैं, 2/3 वाशर लगता है, एक ऊपर लगता है, एक नीचे लगता है। इसके नीचे 1/3 वाशर लगते हैं पीतल वाले, तो एक ऊपर एक नीचे डालकर इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं इसका बेबल पिनियन हम कंप्लीट कर लिए हैं और इस पे एक पिन लगती है जिस पे बेबल पिनियन चलती है और दोनों को लॉक करके रखती है, जिससे गियर इधर उधर भागे ना। इसको घुमा के देखते हैं, अच्छे से काम कर रहा है प्रॉपरली। यहाँ पे देख रहे हैं सारे स्टार फ्री हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। इतना करने के बाद यह डिफरेंशियल थाली, यहाँ पे देख रहे हैं RHS का एक्सल गियर ले लेते हैं, उस पर कोई वाशर नहीं होता, उसको भी टाइट कर देते हैं। इसके बाद एक्सल गियर पे एक ओरिंग लगती है, उसको आप लगा लीजिएगा। आयल सील का काम करता है, जिससे आयल लीक नहीं होता है कोई प्रेशर से। इसके बाद डिफरेंशियल का बोल्ट लगा के हम इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। इसको बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से हम इसको टाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये बोल्ट अधिकतर ढीला हो जाता है, जिसके कारण इसकी बैरिंग भी फूट सकती है। तो इसको पूरी सावधानी के साथ अच्छे से टाइट कर लेते हैं। उसके बाद यह टेपर वाला बैरिंग RHS की, इसको भी थाली पे हम बैठा लेते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं LHS एक्सल गियर में एक आयल सील लगती है, इसको भी हम लगा लेते हैं। यहाँ पे सीट बनी हुई, इसी सीट पे हम बैठा देंगे। उसके बाद इसमें लगती है एक ग्रुप बाल बैरिंग, उसको भी हम छेनी हथौड़ी की सहायता से बैठा देते हैं इसको अपनी सीट पर। इतना करने के बाद ये है दोस्तों डिफरेंशियल हाउसिंग, इसको हम इसी पर बैठा लेते हैं। टेपर वाला बैरिंग की हम पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, आयल सील भी बैठा दिए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ग्रुप बाल बैरिंग पर एक लॉक लगता है, स्नैप रिंग, इसको भी हम लगा के इसको लॉक कर दिए हैं। इसके बाद यह टेपर रोल बैरिंग पर चकनट लगता है और इसको फिर हम पूरी तरीके से टाइट कर लिए हैं, कहीं से कोई प्लेन रहे, डिफरेंशियल पूरा फ्री रहे। इतना चेक करने के बाद हमारा क्राउन कहीं से प्ले नहीं है, बहुत हल्का सा प्ले रहता है, उसको आप देख लीजिएगा। इतना करने के बाद ये हमारा डिफरेंशियल पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है। गियर बॉक्स बना के पहले से ही हम रखे हैं, इसको असेंबल करना है। ये डिफरेंशियल और गियर दोनों को असेंबल करने के लिए हम इसमें बैठा देते हैं। इसमें एक डावल लगी होती है, उसी डावल बैठाने के बाद 12 नंबर का बोल्ट लेके हम राउंडिंग टाइट कर लेते हैं और ये हमारा गियर बॉक्स का क्राउन पूरा बन के कम्प्लीट हो चुका है। राउंडिंग बोल्ट की सहायता से सारे बोल्ट हम टाइट करके कम्प्लीट कर लेते हैं। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग बराबर हमारी वीडियो पे बने रहें। धन्यवाद।